जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेलो कार इंडिया पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की टॉप 10 सेलिंग SUV इन सितंबर 2021। तो चलिए बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पे आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 2088 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। ये सिर्फ डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो इसमें 15 KMPL का माइलेज हमें मिल जाता है। इसके बाद अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 12.81 लाख से स्टार्ट होकर 17.66 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर पे आती है MG Hector। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 2560 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है। ये पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल CVT DCT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 13.96 से लेकर 17.41 KMPL तक का माइलेज मिल जाता है। अब अगर हम इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करें, ये 13.50 लाख से स्टार्ट होकर 19.36 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 8th नंबर पे आती है टाटा हैरियर। ये टॉप 10 में पहली बार आई है। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 2821 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। ये सिर्फ डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। इसमें हमें 14.63 से लेकर के 16.35 तक का माइलेज मिल जाता है। अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, ये 14.34 लाख से स्टार्ट होकर 21.09 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 7th नंबर पे आती है महिंद्रा थार। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 1134 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 15.02 KMPL तक का माइलेज मिल जाता है। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, ये तो 12.78 लाख से स्टार्ट होकर 15.08 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते 6th नंबर पे आती है महिंद्रा XUV300। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 3693 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 17 से लेकर 20 KMPL तक का माइलेज मिल जाता है। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7.96 लाख से स्टार्ट होकर 13.46 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते 5th नंबर पे आती है या सोनेट। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 4954 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल ऑटोमेटिक DCT IMT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें हमें 15.2 से लेकर 24.1 KMPL तक का माइलेज मिल जाता है। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 6.87 लाख से स्टार्ट होकर 13.51 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते 4th नंबर पे आते हैं ह्यूंडई की वेन्यू। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 7924 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल, मैनुअल DCT IMT ट्रांसमिशन के साथ। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो ये 17.5 से लेकर 23.4 तक का माइलेज मिल जाता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 6.99 लाख से स्टार्ट होकर 11.85 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पे आते हैं ह्यूंडई की क्रेटा। इस महीने इसकी टोटल 8193 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। इसमें हमें पेट्रोल डीजल इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल IMT DCT ट्रांसमिशन के साथ। इसकी अगर हम माइलेज की बात करें तो ये 17 से लेकर 21 तक का माइलेज मिल जाता है इसमें हमें। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 10.16 लाख से स्टार्ट होकर 17.87 लाख तक जाती है। आगे बढ़ते हुए 2nd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर में आई है टाटा की नेक्सॉन। इस महीने में इसकी टोटल 9211 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो 16 से लेकर 22.4 तक का माइलेज मिल जाए। अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 7.29 लाख से स्टार्ट होकर 34 लाख तक मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं 1st नंबर पे आई है पहली बार किया सेल्टोस। हम तौर पे 1st नंबर पे हमेशा मारुति या फिर ह्यूंडई की गाड़ियां रहती है। 1st नंबर पे किया सेल्टोस। सितंबर के महीने में इसकी टोटल 9583 यूनिट्स गाड़ियां बिकी है पूरे भारत। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है, मैनुअल IMT DCT और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। अगर हम इसके माइलेज की बात करते हुए, ये 16.1 से लेकर 20.86 KMPL तक का माइलेज मिल जाता है। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 9.95 लाख से स्टार्ट होकर 18.10 लाख तक मिल जाती है।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।